नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार आपने देखा होगा जब आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल नंबर डाल के, तो कई बार फंड गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब फ़ंड उसके अकाउंट में नहीं जाता जिसके लिए आपने सोचा होता है। मैं इसका कारण बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, हम जब भी यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं, हम तीन तरीके से यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो हम मोबाइल नंबर जानकर सामने वाले का, या QR कोड को स्कैन करके, या उसने हमें UPI कलेक्ट की रिक्वेस्ट भेजी और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दिक्कत कहाँ आती है। देखिए, जब भी आप किसी को UPI ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल नंबर डाल के, तो होता क्या है कि उस ऐप में, जैसे आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो या जी पे यूज़ कर रहे हो, उसमें से उसका नाम आता है। अब प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हो जाती है कि आपने तो मोबाइल नंबर डाला, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर काफ़ी सारे अकाउंटों में लिंक हो, उसके खुद के 2-3 बैंकों में अलग अलग अकाउंट हो, या फिर उसके खुद का एक अकाउंट हो लेकिन उसकी वाइफ या बच्चों के अकाउंट में भी उसने अपना ही मोबाइल नंबर डाल रखा हो। तो होगा क्या, सिस्टम को तो पता नहीं है कि वो, तो आपने मोबाइल नंबर डाला, बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी भी अकाउंट में जा सकता है, और यहाँ से सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। जो हम कहते हैं कि यूपीआई से हमारा गलत ट्रांसफ़र हो गया, क्या किया जाए? क्योंकि ये जो यूपीआई से गलत ट्रांसफ़र का है, ये केस तभी आता है तब आप सिर्फ मोबाइल नंबर फ़ोन पे या जीपे पे डाल के उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। और जनरली इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर यदि वो गलत जगह ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो कहीं ऐसे अननोन व्यक्ति के पास नहीं गया, या तो खुद ही के किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में आ गया होगा, या उसी के ही रिलेटिव, इन द सेंस कि वाइफ, बच्चे या फिर माँ बाप के, अगर उसने अकाउंट नंबर में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, तो उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया होगा। दूसरा आता है QR कोड स्कैन। ये सबसे सेफ है, यहाँ एग्जैक्टली उसी अकाउंट में पैसा जाएगा जिसके लिए आप QR कोड स्कैन कर रहे हैं। तीसरा है SBI कलेक्ट, UPI कलेक्ट। UPI कलेक्ट में क्या होगा कि आप उससे पैसे, जिससे भी पैसा, जिसको भी पैसा चाहिए आपसे, डायरेक्ट उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो रिक्वेस्ट कहीं और से आ नहीं सकती, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है, अगर यदि पैसा मान के चलिए UPI में गलत जगह ट्रांसफ़र हो गया है, कि उसका मोबाइल नंबर कहीं और किसी और का था, उस केस में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे रिकवरी के लिए? सबसे पहली बात कि जिसके भी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल की इंक्वायरी करें अपने खुद की होम ब्रांच में जाके। वो लोग बता देंगे आपको कि ये पैसा किसके अकाउंट में गया है, या फिर उसका मोबाइल नंबर आपको दे देंगे। अब क्या करें, उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप से, ईमेल से, फ़ोन पे, या पर्सनली मिलके, और उसको कन्वेंस करें कि आपके अकाउंट में जो पैसा गया है वो गलत ट्रांसफ़र हो गया है, आप उस पैसे को रिटर्न करें। क्योंकि यही एक तरीका है, बैंक के पास भी इतना अधिकार नहीं होता कि अगर आपका पैसा किसी के गलत खाते में चला गया है, तो उसका खाता डेबिट करके आपका खाता क्रेडिट कर दें। अगर ऐसा किया, ऐसा तभी पॉसिबल है तब आप कोर्ट से उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर लेके आए, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।